Let's start our class. Class first subject English grammar. Previous lecture में हमने आपको use of am, are, is पढ़ाया था. Is, am, are का use कहाँ होता है ये बताया था. आज हम लोग पढ़ेंगे chapter 14. Chapter 14 में हम लोग पढ़ेंगे use of was, were. Was और were का use कहाँ पे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे chapter 14 में. तो we use was with he, I, he, she. हम लोग was का use किसके साथ करते हैं? I, he, she के साथ किसका यूज करते हैं? वाज का. और when we spoke about one person or things, जब हम लोग one person या one things के बारे में बात करते हैं तो हम लोग I, he, she के साथ किसका यूज करते हैं? वाज का. We use were with we, you, they. और when we speak about more than one person or things, और जब हम लोग वन या वन पर्सन से अधिक पर्सन या थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम लोग बी, यू एंड दे के साथ किसका यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं. बी यूज वाज और वर टू शो समथिंग इन द पास्ट. और हम लोग पास्ट टाइम को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? पास्ट टाइम को शो करने के लिए वाज या वर का यूज करते हैं पास्ट टाइम को शो करने के लिए. तो यहाँ पे देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई वाज इन केजी क्लास लास्ट ईयर. मैं पिछले साल किस क्लास में था? केजी क्लास में था. आई वाज 4 ईयर्स ओल्ड. मैं 4 ईयर्स ओल्ड हूँ. सी वाज अबसेंट यस्टरडे. वह कल अबसेंट थी. सी वाज इल. राजू वाज नॉट एट होम. ही वाज इन द गार्डन. देयर वाज नो लाइट यस्टरडे. तो इन सारे सेंटेंस में किसका यूज हुआ है? वाज का यूज हुआ है. वी वर प्रेजेंट इन द क्लास. देखिए, वी के साथ किसका यूज हुआ है? वर का. यू के साथ किसका यूज हुआ है? वर का. यू आर इन योर बेड. देयर के साथ किसका यूज हुआ है? वर का. देयर आर मैनी मंकीज ऑन द ब्रांच. इस ब्रांच पे कितने मंकी हैं? बहुत सारे मंकी हैं. दे वर जंपिंग ट्री. यू वर शॉपिंग यस्टरडे. यू वर नॉट इन द गार्डन. चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द फील्ड. दे वर नॉट रीडिंग. तो हमने आपको बताया कि आई, ही, सी के साथ किसका यूज होगा? वाज का. बी, यू, दे के साथ किसका यूज होगा? वर का. और वाज और वर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? पास्ट टाइम को शो करने के लिए करते हैं. तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसको समझेंगे. आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है. थैंक यू.